गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग के नाम पर रंगदारी वसूलने के आरोप में दो गिरफ्तार। एक निजी कॉलेज से वसूले 1 लाख रुपए और पैसे के लिए दे रहे थे दबाव। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग के नाम पर रंगदारी वसूलने के आरोप में सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दीपेश त्रिखत्री और तारा परियार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले दीपेश ने डागापुर के एक निजी कॉलेज के अधिकारियों को फोन किया। उन्होंने अपना परिचय बिमल गुरुंग का सहायक के रूप में देते हुए पार्टी फंड में 1 लाख रुपए जमा करने की बात कही। इस फोन कॉल के बाद कॉलेज प्रबंधन ने फोन करने वालों के बताए अकाउंट नंबर पर 1 लाख रुपए जमा कर दिया। इसके बाद फिर दीपेश ने पैसे देने के लिए कॉलेज प्रबंधन पर दबाव डाला। संदेह होने पर कॉलेज प्रबंधन ने कुछ दिन पहले साइबर क्राइम पुलिस में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में जुटी साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार रात कालिंपोंग से दो लोगों को गिरफ्तार किया। कॉलेज ने जिस अकाउंट नंबर से पैसे दिए वहां तारा परियार के नाम से है। बुधवार दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गत 8 तारीखे प्राइवेट एक कॉलेज आते सालबाड़ी के कॉलेज कर्तृपक्ष एक फोन कॉल पाए जाते वो एक लोक बोले जे उनी एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर असिस्टेंट एवं किछु पार्टी फंडे जने टाका लागबे एक वेलफेयर फंडे जने तो से हिसाबे 9 तारीखे कॉलेज कर्तृपक्ष 1 लाख टाका ओई अकाउंटे ढुकिए दे। तारपरे सबसेकेंडली आबार 10 तारीख आबार एक कॉल आसे आरो 2 लाख टाका चाय तखन कॉलेज कर्तृपक्ष एक सन्देह है सन्देह होते वेरिफाई कराते जाना गेलो जे ओई पॉलिटिकल पार्टी जार नाम करेछिलो आगे ओई टाकाटा चाय ना। তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের কাছে 12 তারিখে একটা কমপ্লেন করেন তো আমরা সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে একটা কমপ্লেন রেজিস্টার একটা কেস রেজিস্টার করি এবং তদন্তে দেখা গেল যে দুজন ব্যক্তির উঠে আসলো নাম। একজন হচ্ছে তারা পরিয়ার যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে ক্যালিম্পংয়ে আর ওর একটা সাবরিদ আছে দীপেশ টিখত্রি। তো পুলিশ তদন্তে নেমে এই দুজনকেই ধরেছে এবং যে এটিএম কার্ড থেকে টাকা বের করেছিল ওটাও রিকভারি করা হয়েছে এবং যে ফোনে কল করেছিল সে ফোনটাও উদ্ধার করা হয়েছে। দুজনকে কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে আজকে কোর্টে ফরোয়ার্ড করেছি আমরা 10 দিনের রিমান্ড পিরিয়ড করেছি আরও ফার্দার নিশ্চয়ই আমরা করব।